लेकिन एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि जो पेपर लीक का मसला, इसके तार नालंदा तक जुड़े हैं। पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया। परीक्षा माफिया संजीव मुखिया को अब ईओयू की टीम खोज रही है। नीट एग्जाम के बाद से संजीव मुखिया फरार है और अब इसे पुलिस खोज रही है। यह तस्वीर संजीव मुखिया की आपके टीवी स्क्रीन पर। यह मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, जिसे ईओयू की टीम खोज रही है। और हमारे संवाददाता शशांक इस वक्त नालंदा में ही मौजूद है, जो आपको बताएंगे कि आखिर ये संजीव मुखिया कौन है शशांक, और पहले भी क्या इस तरीके की परीक्षा माफियाओं में ये संलिप्तता इसकी देखी गई है? पहले भी इस तरीके के काम कराता रहा है, और क्यों अभी तक टीम इसे नहीं खोज पाई है? देखिए, एबीपी न्यूज अभी नालंदा के नगर नौसा में बलवा गांव में संजीव मुखिया के घर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। देखिए, यही संजीव मुखिया का पैतृक आवास है। वो फरार है, नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड वो भी है, ये दावा किया जा रहा है। और इस मामले में 13 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से कई का कनेक्शन उससे है। पुलिस को इस बात का शक है, पुलिस उसको रोज ढूंढ रही है, लेकिन वो फरार चल रहा है। वो पहले भी कई प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक करा चुका है और जेल भी जा चुका है। अभी वो जेल से बाहर था, लेकिन जैसे ही नीट की परीक्षा हुई उसके बाद वो एकदम से फरार हो गया है। और आपको बता दूं, ये सॉल्वर गैंग का सदस्य रहा है, पुराना खिलाड़ी है, बड़ा परीक्षा माफिया है। और इसका बेटा जो है वो डॉक्टर है, उसका नाम डॉक्टर शिव है, वो भी जेल में है। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके पेपर लीक मामले में आरोप में वो जेल में बंद है। तो हम संजीव मुखिया के गांव में उनके पैतृक आवास के बाहर खड़े हैं, और संजीव मुखिया कहाँ है ये भी हम भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गाँव में पुलिस की टीम भी पहुंची थी, हर दिन इस गाँव में पुलिस आ रही है, लेकिन संजीव मुखिया का अभी कुछ भी अता पता जो है वो नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल शशांक, आपको बता दूं उसकी पत्नी जो है यहाँ की मुखिया रही हैं, और 2020 में उनकी पत्नी जो है लोजपा, जो चिराग की पार्टी है, उससे लोकसभा विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी। अच्छा शशांक, ये बताइए कि जो चिंटू पिंटू का नाम आ रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया के करीबी हैं, क्या उनके बारे में कुछ पता चला, वो दोनों कहां पर हैं? देखिए, ये जो चिंटू और पिंटू दो भाई का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये नीट अभ्यर्थी थे, 5 मई को परीक्षा थी, दोपहर 2 बजे से नीट की, और सुबह 8 बजे ही इनके मोबाइल पे प्रश्न पत्र आ गया था। तो इन चिंटू पिंटू की हम पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये बलवा गांव के नहीं है। जिस गांव में हम मौजूद हैं ये संजीव मुखिया का गाँव है, वहीं रहता है, लेकिन इस गांव का चिंटू पिंटू नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो लोग नालंदा का है, उसकी तलाश भी जो है एबीपी न्यूज़ की टीम कर रही है, और हम लोग उस तक भी जरूर पहुँचेंगे। ठीक है शशांक, तो देखिए ये वो चेहरा संजीव मुखिया, जो कि बड़ा परीक्षा माफिया है, और अभी तक ईओयू की टीम इसे नहीं खोज पाई है, लेकिन तलाश लगातार जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।